आज का ये मेरा वीडियो थोड़ी सी यूनिक होने वाली है और खासकर मैं आज फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में बात करूंगा। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपकी इनकम पर कौन सी गाड़ी लेना ठीक रहेगा। और आप लोग अक्सर देखे होंगे बहुत सारे लोग शो ऑफ के लिए गाड़ी ले लेते हैं, बट उनका इनकम तो कम रहता है और गाड़ी महंगी ले लेते हैं सिर्फ शो ऑफ के लिए, दिखावा के लिए। बट जब धीरे धीरे टाइम बीतता है, एक दो महीना तो उन्हें अच्छा लग रहा है, धीरे धीरे जब टाइम बीत रहा है और उनका EMI जब उनके सैलरी अकाउंट से कटता है तो उन्हें लगता है कि क्या मैंने ये गलती कर दी, थोड़ी इनकम ज़्यादा रहती तो ये कार को लेता ठीक रहता। तो ये सारा चीज़ अक्सर बहुत सारे लोग फेस करते हैं। और मैं बता दूँ, एक गाड़ी लेना ये छोटा मोटा बात मत समझो। बहुत सारे लोग तो सोचते हैं कि अच्छा 5,000 EMI कटेगा, 10,000 कटेगा तो क्या हुआ, मेरे पास कार तो है। बट मैं बता दूँ, कार में EMI कटने से बर्डन नहीं, उस पर बहुत सारे एक्सपेंसेस भी होते हैं जिससे आप लोगों को काफ़ी भी बड़ा एक बर्डन टाइप का लगता है। मैं बता दूँ, मेरे पास भी कार है, उसमें 12,410 का EMI कटता है। बट मैं बता दूँ, उसमें कई सारे ऐसे एक्सपेंस होते हैं, पेट्रोल हुआ, पेट्रोल का रेट तो आप लोग जानते ही होंगे, उसमें इतने सारे एक्सपेंस हो जाते हैं ना, तो मैं बता नहीं सकता। लगता है कभी कभी कि क्या मैंने इससे थोड़ी सस्ती गाड़ी ली होती तो आज मैं अच्छा से घूम सकता। अभी तो फिर भी सोचना पड़ रहा है कि अच्छा पेट्रोल इतना लग रहा है, तो यही सारा रीज़न है। तो मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ कि आप लोग देखो, गाड़ी खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है, उसमें सबसे बड़ी बात है कि उनका मेंटेनेंस करना कार का। बहुत सारे लोग खरीद तो लेते हैं बट कहीं पर जाना हो तो पेट्रोल के बारे में सोचेंगे कि पेट्रोल इतना भराना पड़ेगा, छोड़ो इस कार से क्या जाएंगे, चलो बस से या ट्रेन से चल जाते हैं, तो बहुत सारे लोग सोचते हैं। तो यही कारण से मैं आज आपको एक ऐसा फॉर्मूला बताऊंगा जिससे आप लोग के पास गाड़ी तो होगा बट जो बर्डन होता है ना, आप लोग को ऐसा फील होगा कि आपने कोई गाड़ी लिया ही नहीं है। तो इस फॉर्मूले को आप लोग को देखना बहुत ही ज़रूरी है। और मैं बता दूँ, ये वीडियो आप लोग अंत तक देखना, क्योंकि इसमें मैं ये भी बताऊँगा कि कोई फ्यूचर में प्लानिंग कर रहा है कि एक अच्छी गाड़ी ले, 20 लाख का, 15 लाख का एक अच्छी गाड़ी ले। और मैं बता दूँ, नॉर्मली जो अच्छी गाड़ी 15-20 लाख में मिल जाएगी, बहुत ही अच्छी गाड़ी। तो इसलिए मैं आप लोग को एक ऐसा भी तरीका बताऊँगा जिससे आप लोग 15-20 लाख की गाड़ी फ्यूचर में ईजिली ले सकते हैं। वो कौन सा तरीका है, तो ये वीडियो को आप लोग अंत तक देखना, आप लोग को मज़ा आने वाला है। और मैं बता दूं, अगर 5 साल का बच्चा भी देख रहा हो ना तो इजीली समझ में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले आपको रूल के बारे में बताऊंगा। और मैं बता दूं, ये फाइनेंशियल रूल हर एक व्यक्ति को देखना और समझना जरूरी है जब वो कार खरीदने जा रहे हैं। और ये इसलिए ज़रूरी है ना क्योंकि ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट से, बहुत सारे सर्वे के हिसाब से ये रूल बनाया गया। और ये एक फाइनेंशियल प्लानिंग में जो लोग कार खरीद रहा है तो उसके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है। रूल बोलो, फॉर्मूला बोलो, जो भी बोलो। तो ये रूल है क्या, ये रूल है 24-10 रूल। सबसे पहले ये रूल को समझाने से पहले मैं बता दूँ, ये रूल को वो लोग फॉलो करना होगा जिनका इनकम, मान के चलो मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ, मान के चलो मेरी साल की इनकम 20 लाख है, तो 20 लाख का 50% होता है 10 लाख, मतलब कि जितना भी आपका एनुअल इनकम है उसके आधे प्राइस में आपको गाड़ी खरीदनी है। ये रूल का सबसे पहला रूल है। मैं 24-10 रूल बाद में बताऊंगा। सबसे पहले ये रूल का जो रूल कहता है कि आपका इनकम का जितना भी एनुअल इनकम है उसका आधे प्राइस की आपको गाड़ी लेनी है। जैसे कि मेरी इनकम 20 लाख है तो मैं कौन सी गाड़ी लूँगा, मैं 10 लाख के बजट तक मैं गाड़ी लूँगा। तो क्योंकि मेरा 50% 20 लाख का 50% 10 लाख होता है तो 10 लाख की गाड़ी मैं लूँगा। अब मैं रूल के बारे में बताता हूँ। 24-10 रूल है, तो 20 का मतलब क्या हुआ, 20 का मतलब हुआ 20% डाउन पेमेंट। मतलब कि मैंने 10 लाख की, जानते हैं मेरे 10 लाख का बजट है, तो 10 लाख के बजट है, मान के चलो मैंने कोई भी गाड़ी को पसंद किया 10 लाख की, 10 लाख का 20% होता है 2 लाख, तो मुझे 2 लाख रुपीज़ मुझे डाउन पेमेंट करनी है। तो 20 का मतलब कि 20% जितनी के भी आप लोग गाड़ी ले रहे हैं उसका 20% आप लोग को डाउन पेमेंट करना है। तो आप लोग को मैं आगे बताता हूँ कि 4 रूल है क्या। 20 को हमने समझ लिया, अब 4 के बारे में आता है। ये 4 का मतलब है कि आपका जो लोन का टेन्योर है वो 4 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 4 कहता है कि 4 साल से ज़्यादा आपका टेन्योर होना नहीं चाहिए। अब मैं बता दूँ ये 10% है क्या, तो 10% समझने के लिए मैं आपको मोबाइल स्क्रीन पे ले जाता हूँ क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसे बहुत सारे लोग नज़रअंदाज करते हैं, बट ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए मैं मोबाइल स्क्रीन पे ले जाकर दिखा रहा हूँ तो आपको इजीली समझ में आएगा। तो हमारा जो रूल था 24-10 रूल, तो आप लोग को मैं एक बार फिर से समझा दूँ। 20 का मतलब 20% डाउन पेमेंट ऑफ द कार, मतलब कि जैसे मैंने कहा कि मेरी इनकम 20 लाख है साल की, तो मैं इसमें 50% की कार खरीदूँगा जो कि होता है 10 लाख की, और 10 लाख में मैं 20% का डाउन पेमेंट करूँगा जो कि होता है 2 लाख। तो मैं यहाँ पर 20% आप लोग का जितना भी बजट है 20% उसको डाउन पेमेंट करना है। जैसे 10 लाख आपका सालाना इनकम है तो 5 लाख की कार खरीदोगे तो 5 लाख का आपको 20% आप लोग को डाउन पेमेंट करना है।
और हम लोग का जो फोर का मतलब था कि 4 ईयर्स रिपेमेंट ड्यूरेशन, आप लोग का जो लोन का ईएमआई होना चाहिए वो 4 साल तक ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। और मैं ऐसा कैलकुलेशन बता दे रहा हूँ, अगर मैं 10 लाख की गाड़ी लेता हूँ और मुझे इंटरेस्ट 8% का, अगर कोई बैंक वाला मुझे इंटरेस्ट लेगा 8% का, तो मेरा जो मंथली ईएमआई पड़ेगा 4 साल का वो पड़ेगा 19,530 रुपया। 19,530 रुपया ये मेरा 4 साल का ईएमआई है। और ये इंटरेस्ट हर एक बैंक पर अलग अलग डिपेंड करता है, किसी में कम रहता है किसी में ज़्यादा रहता है, मैंने एक एवरेज 8% का पकड़ लिया है। तो हम लोग का जो मंथली ईएमआई होगा 10 लाख का जो कार लेंगे, 8 लाख के ऊपर, 2 लाख तो हम लोग डाउन पेमेंट कर दिए, तो 8 लाख का जो हम लोग को ईएमआई देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा 19,530 रुपया। आप लोग सिंपली कार ईएमआई कैलकुलेटर में जाके कैलकुलेट कर सकते हैं, गूगल में जाना और कार ईएमआई कैलकुलेटर में जाके कैलकुलेट कर लेना। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये 10% सैलरी एक्सपेंसेस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो यहाँ पर देखो आप लोग, काफ़ी इजी में आप लोगों को समझ में आएगा, टेंशन मत लो। यहाँ पर देखो, जैसे 10% सैलरी एक्सपेंसेस, ये 10 है क्या, तो हम लोग बता देता हूँ। जैसे मैंने कहा कि मेरा 20 लाख का सालाना इनकम है, तो मेरा जो मंथली इनकम आएगा, मतलब कि मंथली सैलरी मेरा 1.66 लाख है, मतलब कि 1,66,000। तो इसका इनकम का, मेरे इनकम का जो 10% आता है वो आता है 16,666। ठीक, तो मैं कह रहा हूँ कि हम लोग का जो कार है, हमारा कार का एक्सपेंस मेरे इनकम का 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और मेरा इनकम का 10% होता है 16,666 रुपया, तो इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद नीचे देखो, हमारे कार में कौन कौन से एक्सपेंसेस होते हैं। तो सबसे पहले मैं मान के चल रहा हूँ पेट्रोल, आप लोग कार खरीदोगे तो हर महीना पेट्रोल भराओगे। तो मैं ऐसा एग्जांपल मान रहा हूँ कि 10,000 का पेट्रोल आप लोग का हर मंथ लगता है, पर मंथ 10,000 का पेट्रोल लगता है, साल का कितना हो गया 1,20,000। ठीक, फिर उसके बाद देखो, आप लोग को पता है कि साल में एक बार इंश्योरेंस भी कराना होता है। जितना लाख का कार होता है तो उसमें 1,000 काउंट किया जाता है, जैसे कि 10 लाख का कार है तो मेरा 10,000 एनुअली इंश्योरेंस हुआ। फिर उसके बाद देखो, कार का तो सर्विसिंग कराओगे, ऑयल वॉयल जितने भी उसमें पार्ट्स होते हैं, कुछ कुछ चेंजेस कराना पड़ता है, बहुत सारा मोबिल ऑयल ये सब चेंज करना पड़ता है, तो उसके लिए कार सर्विसिंग, तो मैं एनुअली 12,000 मान के चल लिया कि 12,000 आप लोग का कार सर्विसिंग में लगेगा, इंश्योरेंस में 10,000 लगेगा साल में, और पेट्रोल हर मंथ 10,000 का लगेगा। तो ये तीनों को मिला के मेरा टोटल जो एक्सपेंस आता है साल का वो 1,42,000 आता है। और इसे मैं 12 से डिवाइड करूंगा जो कि आता है टोटल मंथली एक्सपेंसेस 11,834। तो यहाँ पर देखो, हम लोगों ने बजट क्या बनाया था कि हमारा इनकम का 10% से ज़्यादा हमारा कार में एक्सपेंस नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग का बजट कितना था, 16,666 रुपीज़। बट यहाँ पर देखो, जो हमारा कार एक्सपेंस है हमारे बजट से काफ़ी कम है, जो कि है 11,834 रुपया। फिर भी आप लोग के पास 4,000-5,000 रुपया बचेगा। तो ये 4,000-5,000, देखो कभी आपको हो सकता है पेट्रोल ज़्यादा भराना पड़ जाए, कभी आपको इंश्योरेंस में ज़्यादा खर्चा लग जाए, ज़्यादा इंश्योरेंस आप लोग करा लिए, कार का सर्विसिंग में ज़्यादा लग जाए, तो ये 5,000 आपको रखना है बैलेंस के लिए कि मान के चलो कहीं घूमने जा रहे हैं, उसमें ना ज़्यादा पेट्रोल लग गया। तो इस कारण से मैं बोल रहा हूँ कि देखो ये परफेक्ट बजटिंग हो गया, और ये देखो आप लोग, ये परफेक्ट फाइनेंशियल प्लानिंग हो गया कि चलो आपको कभी भी सोचना नहीं पड़ेगा किसी महीने कि मुझे पेट्रोल 5,000 का भरना चाहिए या 10,000 का। आप लोगों को पता है फिक्स्ड, मेरे पास इतना बैलेंस भी पड़ेगा, अगर मैं 10,000 पर मंथ तेल भी भराता हूँ तो फिर भी मेरे पास महीने में 4,000-5,000 रुपया मेरे बजट में बचेगा, तो मैं वहाँ पर आराम से कुछ भी कर सकता हूँ। तो इसीलिए फाइनेंशियल प्लानिंग आप लोग के लिए ज़रूरी है। अब यहाँ पर ये रूल को देखो, आप लोग समझ गए होंगे रूल क्या है, 20% डाउन पेमेंट ऑफ द कार, जितने का भी कार खरीदे हैं उसका 20% आप लोग को डाउन पेमेंट करना है। 4 का मतलब 4 ईयर्स आपका लोन का जो ड्यूरेशन होना चाहिए उससे ज़्यादा नहीं, और 10 का मतलब कि आपके सैलरी का 10% ही कार में एक्सपेंस होना चाहिए। तो ये रूल आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, आपको एकदम भी बर्डन नहीं पड़ेगा कि आपके पास कार है भी, आप लोग इजली अपने कार को मेंटेनेंस करके चल सकते हैं। और मैं बता दूँ, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम रहेगा, जिसका सालाना इनकम 10 लाख है वो भी इसी तरह फॉलो कर सकते हैं, जिसका 5 लाख है वो भी कर सकते हैं, जिनका 15 लाख है वो भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से आप लोग कर सकते हैं रूल को, और ये एक करना बहुत ही ज़रूरी है, मैं बार बार बता। तो आप लोगों ने 24-10 रूल को समझ लिया कि ये रूल से जो लोग गाड़ी खरीदने जा रहे हैं या खरीदने का सोच रहे हैं, तो ये रूल उन्हें समझ में आ गया कि ये रूल हम लोग को फॉलो करना है। अब मैं बताऊँगा कि देखो, बहुत सारे लोग सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कि मैं फ्यूचर में गाड़ी लूँगा, तो वो कैसे ले सकते हैं, उनके लिए कुछ आसान तरीके हैं जिससे उन लोगों को वो गाड़ी का पैसा इजीली वे में क्रिएट हो जाएगा, यानी कि उस गाड़ी का जितना भी दाम है जैसे 10 लाख 20 लाख, तो वो ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा, आपके पास ऑटोमेटिक आ जाएगा, और आप चाहे तो फ्यूचर में इजीली गाड़ी अफोर्ड कर सकते हैं, उसका पूरा आपको ईएमआई भी देने का जरूरत नहीं है।
वो कैसे होगा, उसे करने के लिए सबसे पहले आप लोग को म्यूचुअल फंड में SIP करना होगा। म्यूचुअल फंड में SIP मतलब कि अगर आपका सैलरी 50,000 है तो आपको 50,000 में से 20% आपकी सैलरी को सेव करना है। आप लोग अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लेना, जिसका जितना सैलरी है 10,000 है, 20,000 है, 30,000 है, 40,000 है, जितना आप लोग कैलकुलेट कर लो। मैं बोल रहा हूँ कि आपकी सैलरी का 20% आपको इन्वेस्ट करना है म्यूचुअल फंड में। कहाँ पर करना है मैं बता दूँ, बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड जहाँ पर आपको कम रिस्क में 20% का एनुअल रिटर्न मिलता है, 20% का एनुअल रिटर्न मिलता है। तो आपको अगर जल्दी ये गाड़ी खरीदने के लिए तो आप लोग 5 साल का SIP कर सकते हैं, और अगर आपको और अच्छा गाड़ी लेना है तो आप लोग 10 साल का SIP कर सकते हैं। तो मैं अब आपको दिखाऊंगा कि अगर आप लोग 5 साल तक अपने इनकम का 20% SIP करते हैं तो कितना जनरेट होगा पैसा, और अगर आप लोग अपने इनकम का 20% 10 साल के लिए अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पास कितने पैसे होंगे। इसके लिए मैं आपको SIP कैलकुलेटर में ले जाकर दिखाता हूं। तो चलिए मोबाइल स्क्रीन पर चलते हैं। तो अब बात करेंगे जो लोग को फ्यूचर में गाड़ी खरीदनी है बट वो प्लान कर रहे हैं कि कौन सी गाड़ी ले और कितने अमाउंट तक गाड़ी ले। तो मैं एग्जांपल के लिए मान के चल रहा हूँ वो लोग मंथली SIP करेंगे म्यूचुअल फंड में अपने सैलरी का 20%। तो मैंने 50,000 अगर आपको सैलरी है तो 20% होता है 10,000 रुपया। इन्वेस्टमेंट पीरियड कितना होगा, 5 साल, जिसको जल्दी गाड़ी लेना है। और यहाँ हम लोग का एनुअल रिटर्न मैं बताऊंगा, बहुत सारे ऐसे फंड है जहाँ 20% का उसका 10 ईयर का CAGR 20% का, मतलब कि हर साल वो कंपनी पिछले 10 साल से हर साल 20% दे रही है रिटर्न। तो 20% मैं यहाँ पर कैलकुलेट कर रहा हूँ। जैसे कैलकुलेट करूँगा तो यहाँ पर देखो आप लोग, तो यहाँ पर देखो आप लोग का अमाउंट इन्वेस्ट होगा 6 लाख रुपया 5 साल में, और आप लोग का जो वेल्थ गेन होगा 4.3 लाख होगा, और टोटल आपके पास होगा 10 लाख रुपये। तो आप लोग बोलेंगे ये 10 लाख में तो मैं तो सोचा था काफ़ी महंगा गाड़ी लूँगा, पर ये 10 लाख में कौन सी गाड़ी लूँगा। तो मैं बता दूँ 10 लाख में भी बहुत अच्छी अच्छी गाड़ी आ जाती है, ह्यूंडई का, मारुति का, बहुत अच्छा अच्छा गाड़ी आ जाती है। बट मैं बता दूँ बहुत सारे लोग का शौक होता है कि एक महंगी गाड़ी ले, तो ये इन्वेस्टमेंट पीरियड आप लोग 5 की जगह 10 साल कर दो। और फिर यहाँ पर मैजिक देखो, मैं जैसे यहाँ पर कैलकुलेट करूँगा यहाँ मैजिक देखो, यहाँ पर आप लोग देखो अमाउंट इन्वेस्टमेंट आप लोग का 12 लाख हुआ, वेल्थ गेन हुआ 10 साल में 26 लाख हुआ, और टोटल जो आपका एक्सेप्टेड अमाउंट 38 लाख रुपया हो गया। 38 लाख में आप लोग कोई भी लग्जरी गाड़ी ले सकते हैं, फॉर्चूनर भी ले सकते हैं, बट उस टाइम 10 साल बाद फॉर्चूनर का दाम बढ़ जाएगा। तो क्या हुआ, ये पूरा पैसा तो आपको थोड़ी देना है, आप लोग पहले इसका डाउन पेमेंट करेंगे फिर वहाँ से MI कटेगा। तो इतना तो हो जाएगा कि आप लोग वो गाड़ी के बारे में सोच सकते हैं, फॉर्चूनर के बारे में। अब मैं बता दूँ बहुत सारे लोग का होता है कि मुझे करोड़ में गाड़ी लेना है, एक लग्जरी गाड़ी लेना है, BMW, मर्सिडीज़, ये सब गाड़ी लेना है, तो वो कैसे। तो आपकी इन्वेस्टमेंट पीरियड 10 के जगह आप लोग 15 कर दो। फिर यहाँ मैजिक देखो आप लोग, यहाँ मैजिक देखो, अब यहाँ पर मैजिक आप लोग देखो, अमाउंट इन्वेस्टमेंट 18 लाख, वेल्थ गेन हुआ 95 लाख, और एक्सेप्टेड अमाउंट 1 करोड़, यहाँ पर देखो 1.1 करोड़। यहाँ पर आप लोग BMW हो, मर्सिडीज़ हो, कोई भी महंगी गाड़ी आप लोग यहाँ से इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये फाइनेंशियल प्लानिंग अगर आप कर रहे हैं, फ्यूचर में एक महंगी गाड़ी लेना चाहते हैं, तो आप लोग को म्यूचुअल फंड में SIP करना होगा। और मैं बता दूँ कौन सा म्यूचुअल फंड जो 20% का देती है, मैं बता दे रहा हूँ, ये मैं कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेड नहीं कर रहा हूँ, मैं एग्जांपल के लिए आप लोग को बता दे रहा हूँ, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है, जिसका 10 ईयर्स का जो CAGR आप लोग देखोगे वो 20% का आता है। तो आप लोग पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में जाकर देख सकते हैं और इन्वेस्ट अपने रिस्क पर करें, मैं इसमें कोई भी रिकमेंडेड नहीं कर रहा हूँ। तो ये आप लोग समझ गए कि आप लोग कैसे फ्यूचर के लिए अच्छा गाड़ी ले सकते हैं। तो आप लोगों ने आज मेरी वीडियो से ये सीखा कि कोई अगर गाड़ी खरीदने जा रहा है तो क्या क्या बात को ध्यान में रखने की जरूरत है, और अगर आपके रिलेटिव में कोई जा रहा है खरीदने तो उन्हें एक तरह का सलाह दे सकता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में।